आप सबको पता है वैसे कि प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, बट पॉलीथीन जो प्लास्टिक से बनती है उस सबसे ज़्यादा यूज़ हम फ्रूट्स लाइक जब हम फ्रूट लाते हैं तो उनमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उनकी क्या कंडीशन रहती है, जब उसके अंदर फ्रूट रहता है उसकी हालत क्या ख़राब हो जाती है फिर हम उसको खाते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया उसके ऊपर। मैंने कुछ फ्रूट्स लिए, एक बनाना लिया दो, उन बनानों को मैंने 3 दिन एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में रखा, उनकी क्या कंडीशन हुई वो आप इस वीडियो में देखोगे। जब 3 दिन केले एक प्लास्टिक की थैली में होते हैं उनकी क्या कंडीशन रहती है, तो हम उनको डिवाइड करके देख सकते हैं। जब 1 दिन भी वो प्लास्टिक की थैली में रहते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है। जब प्लास्टिक की थैली बैन हो रखी है फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमारी हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है उसका, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है इस वीडियो के ज़रिए, आप उसको देख पाएंगे। तो मैंने केले लिए, उनको 3 दिन एक पॉलीथीन में रखा, उसके बाद जब 3 दिन उनकी कंडीशन हुई उस वीडियो में, जब एक ताज़ा केले और इनकी कंडीशन क्या हो रही है वो आप देखोगे इस वीडियो में। आप इनकी हालत देख सकते हैं, पूरे पानी पानी हो चुके हैं, कट चुके हैं। ये दूसरा केला मैं आपको बताऊंगा, ये देखो गीले हो रखे हैं, कुछ पानी भी पीछे इस पॉलीथीन में आप देख पा रहे हो, पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि पॉलीथीन का उपयोग कम करें और बनाना जो केले हैं उन्हें पॉलीथीन में ना रखें, कि वो कितने ख़राब हो सकते हैं आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हद से ज़्यादा। ये तो एकदम अंदर से पूरा गायब हो गया अंदर से केला। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप केले पॉलीथीन में ना रखें, केले के हर फ्रूट आप पॉलीथीन में ना रखें जिस वजह से वो ख़राब ना हो। इसी के साथ मैं आपको इनको छील के बता रहा हूँ, ये कंडीशन देखिए, ये पूरा केला टूट चुका है, इसके अंदर पानी ही पानी है। ये देखो पूरा केला ख़राब हो चुका है, और इसको देखिए एकदम गीला, ये किसी काम का नहीं है। अब सब इनको हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, ये बनानास किसी काम के नहीं है इसलिए हम इनको डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि पॉलीथीन में फ्रूट्स ना रखें। इसी के साथ मेरा कहना ये है कि फ्रूट्स को घर पे एकदम खुले रखें, उसकी वजह से वो ताज़ा रहेंगे और खाने में भी ईजी रहेंगे, जिससे कोई बीमारी नहीं होगी। इस वीडियो का मेरा पर्पज़ यही था कि फ्रूट को ऐसी जगह पर रखो जहाँ वो ख़राब ना हो पाए, खुले में रखो विदाउट प्लास्टिक, जिससे वो खाने में अच्छा हो और अपने शरीर को हानिकारक ना। थैंक यू।